खेतों में बिजली फ्री आती है, पहले 8 घंटे आती थी धान के लिए, आजकल सीजन चल रहा है। तो मैंने अफसर बुलाए बिजली वाले, मैंने कहा इनको 11-12 घंटे बिजली दो, शर्त लगा लो, खुद मैं खेती करने वाले परिवार से आता हूं, कोई किसान इतना पागल नहीं है कि वो अपने खेत को भर दे और बट्टा टूट जान, तो बट्टा फिर उन्हें जड़ियां पोचनिया तो उसे पैणगी ना। इस करके मैं कहूं 9 घंटे बाद, 9.5 घंटे बाद मोटर बंद कर दूंगा। और मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने कहा वो दिन आने वाले हैं जब आप जो ट्यूबवेल है उसकी मोटर बंद करके धान जो है वो उगाने वाले हैं। कहते मजाक लगता है, आज जाके पूछ लो पंजाब में ऐसे होता है। और एक और बात मैंने कहा, पूरी दुनिया के अफसरों को कहा, मैंने पूरी दुनिया के दफ्तर 9 से 5 है, उनका टाइम सवेरे 9 से 5। मैंने कहा अकेला किसान का दफ्तर रात के 2:30 बजे क्यों खुलवाते हो कि 2 बजे बिजली आएगी जी रात को, ये दिन में दे दो यार, इस बिजली देनी है दिने दे दो। तो आज पंजाब में बिजली भी आती है और दिन में आती है। और एक किसान ने मुझे कहा बेटा आपने हमें भी अफसर बना दिया, बड़ा अच्छा लगता है हम आप। ये बातें हैं, इज्जत मान की बात होती है, और क्या है, इनका क्या काम है, झूठ पे झूठ, जो झूठ पे झूठ, कोई बात तो सच बोल दो ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही झुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। मुझे लगता है चाय भी नहीं आती होगी, ये भी झूठ ही है, इतना झूठ, कभी तो देश के साथ सच बोल दो यार। सो ये इनका झूठ जो है ज्यादा देर चला नहीं, अब इस बार वो नहीं हो पाया अंकड़ा, तो अब लड़ाइयां हो गई शुरू। ऐसे होता है, फिर जब आप कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, तो हो गया काम शुरू। अच्छा देश में तो ये कहते हैं इस बार 400 पार है ना, इस बार 370 पार, ये दिल्ली में कभी नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में सिर्फ यमुना पार, बस दिल्ली में नहीं कहते ये, इनको पता है कि दिल्ली के लोग नहीं पसंद करते इनको। मुझे पत्रकारों ने पूछा, आम आदमी पार्टी ने, आप लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बीजेपी की आंधी को पंजाब और दिल्ली में कैसे रोका। मैंने कहा इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है, कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है, कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा पंजाब और दिल्ली में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगी नहीं, अब सफाई करने की बारी किसकी है, थोड़ा समझ नहीं आया भाई साहब, हरियाणा की अब बारी है, आधी दिल्ली देखो हरियाणा, आधा हरियाणा दिल्ली को उधर से टच करता है, आधा हरियाणा इधर से, यहां से, यहीं से ये सीधा यहां ये बनूड़ सी शुरू हो जाता है, शंभू से शुरू हो जाता है, वो जाखल डब वाली तक, फतेहाबाद तक हरियाणा जाता है। हम एक ही पत्तन का पानी पीने वाले लोग हैं, अपने एक दूजे नाल दोस्तियां ने, एक दूजे नाल सांझा ने, एक दूजे नाल रिश्तेदारियां ने, मेरी भी है। इस करके इज्जत रख लियो, मैं भी रोटी खानी है। सो वीरो मैं ये कहना चाहूंगा थानू के बहुत तुसी कमाल कीती है पंजाब ते हरियाणा च, पहला कदे नहीं सोचा सी किसी ने
कि 92 सीटा लै सकती कोई पार्टी पंजाब दे विच 92। और किथे कौन कौन हारे? बादल हार गए, कैप्टन हार गए, सिद्धू हार गए, मजीठिए सफाई करती लोगों ने। एक उदों हुंदा है जो लोग लड़न, जब पब्लिक लड़ती है ना किसी के लिए, फिर उसको कोई नहीं हिला हरा सकता, उस बंदे को कोई नहीं हरा सकता। केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की पब्लिक लड़ती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की जनता ने लड़ाई लड़ी तो ये काम हुआ है। अभी तो उनकी आगे देख लो अकाली दल का क्या हाल हो गया पंजाब में, अकाली दल का हाल देख लो, किसी का भी पूछ लो भाई साहब, उनका तो लोग उनका नाम लेने को तैयार नहीं है, नाम सुनने को तैयार नहीं है। ये देखो, ये रब दी चक्की है, ये रब दी चक्की है, ये चलती थोड़ी जी हौली है पर पींदी बहुत बारीक है। जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने गुरुओं की बाणी गलियां चरोली, जिन्होंने बाबे नानक की तकड़ी कह के उदे विच चिट्टा तो लिया, ते फिर परमात्मा देखदा है, रब देखदा है, ना कसुन मारदा ना लत मारदा, रब जदों मारदा मत मारदा, इन्हां दी मत बजी आ। असीं आम घरां दे मुंडे आ, मैं तां महिंदर मास्टर दा मुंडा सतौज पिंड तों, आम घरां च उठ के आया, गरीबियां च उठ के आया। मैनूं पत्रकार कहिंदे आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का, आप इतनी ऊंचाई पर चले गए हैं। मैंने कहा किस बात का डर नहीं लगता कहीं नीचे आ गए तो? मैं कहा जी 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोयां चो निकल के आया, इदू थले हुण कित्थे जाइए, हुण इहदे थले तो जी, मैं कहा फिर हुण पानी है अगे तो फिर ना। सानू ऊंचाइयों से डर लगता है ना हमें गहराइयों से डर लगता है, डर लगता है तो उस भगवान से डर लगता है, उस नीली छतरी वाले से डर लगता है। वो समत बख्शे, वो बल बख्शे, हमसे कोई ऐसा फैसला ना करवाए जिससे किसी के घर का चिराग बुझ जाए, हमसे ऐसे फैसले करवाएं जिससे हर घर में तरक्कियों के खुशियों के दिए जले। तो भाई साहब बिजली फ्री ना, असीं तां पंजाब च ओह गरंटियां भी पूरियां करती हैं जिहड़ियां गरंटियां दित्तियां ही नहीं सी। आउण सार मैं क्या MLA दियां पेंशनां, किन्नी पेंशन, जिन्नी बार MLA बना, जितनी बार MLA बना उतनी बार उसकी 70,000 रुपया पेंशन बढ़ गई। एक बार MLA बन गया, पहले तो 80,000 90,000 जो भी पेंशन अपना वेतन मिलता रहा, फिर दूसरी बार बन गया, फिर तीसरी बार, चौथी बार नहीं बना या टिकट नहीं मिली, तो इसका मतलब ये हो गया 80 पहले का, 70 दूसरे का, फिर 70, फिर 70 कर करा के 3.5 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 4.5 लाख पेंशन। पेंशन मतलब कईयों को तो हारने में फायदा था, क्योंकि जब जीतते हैं तो मिलेगी तनख्वाह, हार के मिलेगी पेंशन, पेंशन मिलेगी 4.5 लाख। और लाल सिंह है, लाल सिंह पटियाला से, हाँ 7 पेंशन। सब तो पहले वो गारंटी हमने दी नहीं थी, सबसे पहले हम विधानसभा में बिल लेके आए। मैंने कहा बात यह है, जब हाथ जोड़ के हमारे घरों के सामने आते हो ना कि सेवा का मौका दो, हम सेवा का मौका देते हैं, लेकिन सेवा की पेंशन नहीं होती, एक लेनी है ले लो, नहीं मैं ये भी काट दूंगा बस, है ना भाई साहब। अब एक ले रहे हैं, सबसे पहले ये गारंटी पूरी की, लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। मैंने कहा यार लोग 40-40, 45-45 साल नौकरी करके एक पेंशन लेते हैं, वो भी बंद कर रखी है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके न्यू पेंशन स्कीम लागू करके, वो उसका भी पता नहीं है किस कंपनी में लगा देंगे, क्या कर देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये यार कमाल है। तो पहले फिर एक गारंटी ऐसी पूरी की जिसके बारे में सोच नहीं सकते आप, ना ही हमने वो लिखा था। पंजाब में इतने टोल प्लाजे हैं, इतने टोल प्लाजे हैं, जहां जाओ टोल प्लाजे हैं, टोल प्लाजे हैं। एक तो आज ही साइन करके आया हूं, अब तक 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए मैंने, उन टोल प्लाजों की वजह से, उन टोल प्लाजों की वजह से 60 लाख रुपए पर डे, एक दिन का 60 लाख पंजाबियों का बच रहा है अपने जेब में।
ये काम होते हैं अगर करने हो। इन्होंने क्या किया, वो टोल प्लाजे दो दो साल, अभी तो मैं अकेला बंद नहीं किए, अभी उन पे केस कर रहा हूं, दो दो ढाई ढाई साल ओवर चल गए, मतलब ज्यादा चला गए। क्यों चला गए भाई, मंत्री जी ने साइन नहीं किए, मंत्री जी ने कह दिया ओके 250 दिन बढ़ाने हैं, ठीक है 150 दिन मेरा, 100 दिन तेरा, ऐसे किए हैं। अब वो जांच कर रहे हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा था कि पैसे इन्हीं में से निकालने हैं, बिजली भी फ्री होगी, सब कुछ फ्री होगा, सब कुछ पैसे, क्योंकि हमारे पार्टी के जो प्रधान है ना वो इनकम टैक्स के कमिश्नर है, उनको पैसे का पता है कहां से लाना है, कहां करना है, हिसाब किताब आता है। तो इसलिए ये बात ये नहीं है कि हम बदलने वाले हैं। मुझे जो आपका प्यार मिल रहा है, जिस जोश से आप आ रहे बोल रहे हो, नारे लगा रहे हो, मुझे लग रहा है कि अब पंजाब से जब निकलेंगे तो यूपी के बॉर्डर तक आम आदमी पार्टी का राज होगा। एक मैं आपको बात सुना दूं, ये बात जाके अपने दोस्तों मित्रों को भी सुना देना कि हम धोखा कैसे खाते रहे, हम कैसे बार बार इनके धोखे में आते रहे, कैसे इनके ट्रैप में फंसते रहे। एक गांव था, वहां भैंसें चोरी होना शुरू हो गई, आज दो भैंसें चोरी हो गई, कल एक भैंस और चोरी हो गई, फिर एक भैंस चोरी हो गई, तो लोग बड़े परेशान गांव के। वहां पे एक साधु रहता था, उसी गांव में डेरा था उसका, उसके पास गए, बाबा जी बचाइए, पता नहीं क्या कोई ग्रह गांव पर आ गया, भैंसे चोरी होने लग गई हैं, 3 दिन में 4 भैंसे चोरी हो गई हैं, क्या करें, कोई हल बताओ। तो साधु ने कहा एक काम करो, गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट कर दो स्पीकर में, और एक चादर, चार बंदे चादर ओढ़ के खड़े हो जाना, चारों को ने पकड़ के चादर के, चार बंदे खड़े हो जाना और पूरे गांव को चादर के नीचे से ऐसे उनको बोल देना कि नीचे से निकल जाएं, जिसने भी भैंस चोरी की हो वो जैसे ही निकलेगा वो गिर जाएगा, दौरा पड़ेगा और वो मर जाएगा। तो हो गया अनाउंसमेंट, 4 बंदे चादर लेके खड़े हो गए, चारों कोने पकड़ के, आदमी निकल गए, औरतें भी निकल गई, बच्चे भी निकल गए, बुजुर्ग भी नहीं, कोई नहीं मरा, पूरा गांव निकल गया, कोई नहीं मरा। कारण पता क्या था, जो भैंसे चोरी करते थे वो तो चादर पकड़ के खड़े थे, मरेगा कौन, चोरों को बात तो चादर थी। शक हम अपने आप पे करते रहे, चादर हम चोरों को पकड़ाते रहे, हरियाणा की चादर पंजाब और दिल्ली की तरह ईमानदार बंदों को पकड़ा दो तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी, तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी, सही बात है ना। सो हम तो ये ऐसे हम तो दिल से बोलने वाले बंदे हैं, हमें कोई भाषण ये वो जुमले नहीं करने आते, हम तो जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हुआ, उनसे सीखा भी हुआ हमने, कि जब भी बोलो वो चीज बोलो जो कर सकते हो, जो नहीं कर सकते वो बोलो मत, वरना लोग कहेंगे यार ये बोल के कुछ और गए थे, कह कर कुछ और रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, जो कहती है वो करती है, आम आदमी पार्टी है जो ये जो पंजाब और दिल्ली का जो कमाल हुआ है, इसमें लोगों का ही कमाल है, हमारा ना तो हमारे पास पैसे हैं ना हमारे पास कोई मसल पावर है, हाँ सच है, ईमानदारी है, ईमानदारी में वो हमें हरा नहीं सकते, ईमानदारी में सच में वो हमें हरा नहीं सकते। पैसा कमाना होता, मैंने पहले भी कहा बहुत सा कमा लेंगे, मेरे वर्गे कमले नु किसी ने क्या कहना, जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम करते ला लेंदा, जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम करते ला लेंदा, हुण तक तू मेरा मित्रा पैसे बहुत कमा लेंदा, पैसे नाल पोजीशन बन दी, कोई कारोबार चला लेंदा, धनिया दी सूची विच तू भी अपना नाम लिखवा लेंदा। अग्गों जवाब आया, गल तां तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनिया दी सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लेंदा, पर रुखां नाल छावां मिटदियां ये समा सब नूं ढा लेंदा, किन्ने धनी हो तुर गए कौन किसे दा नाम लेंदा, कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी जे नानक हट्टी पा लेंदा।
अगर गुरु नानक देव जी दुकान खोलकर बैठ जाते, फिर सज्जन ठग को कौन सुधारता, फिर मलिक भागो और भाई लालो की चपातियों में से फर्क कौन निकालता, फर्क कौन बताता, फिर पंजे नाल पहाड़ कौन रोकता। हर गल पैसे वास्ते नहीं हुंदी, लोगों के हक च खड़न का भी अपना ही नजारा हुंदा है, लोगों के हक च खड़न का। जिस तरह केजरीवाल लोगों के हक च खड़िया नौकरी छड के, तां फिर लोगों ने सीएम बनाता, तीजी बार सीएम, चौथी की भी तैयारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सानू ये जेलों च भेज के सानू डराउंदे है, इत्थे कोई बीजेपी वाले भी होणगे।